हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी स्नेहा के किचन में बनने जा रहा है एक बहुत ही मिरेकल सा ड्रिंक, यानी कि आज हम बनाएंगे एबीसी जूस, जो कि आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बट आज इसको हम बनाने वाले हैं अपनी किचन में। तो दोस्तों, जो आज हम जूस बनाने वाले हैं, बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी ड्रिंक होने वाला है। तो आप इस ड्रिंक को बच्चों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी जरूर ये ड्रिंक पसंद आने वाला है, और बहुत ही कम मेहनत में झटपट ये ड्रिंक हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये छोटा बाउल, इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच चिया सीड्स। तो चिया सीड्स यहाँ पे मैं ले रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट जो चिया सीड्स होते हैं काफ़ी हेल्दी होते हैं, और ये तीन कलर में पाए जाते हैं, काला, सफ़ेद और ब्राउन, यानी कि पूरे कलर में। अब इसमें हम डाल देंगे पानी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से ये सोक हो जाते हैं, और इसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो दूध से काफ़ी गुना ज़्यादा होती है। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस या फिर वेट लॉस प्रोसेस में, तो उनको तो चिया सीड्स ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और पानी में सोक करने से इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी भी चीज़ में इनका इंटेक यानी कि ले सकते हैं, बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। और इसमें हेल्दी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3। अब यहाँ पे देखिए, मैंने लिए हैं एप्पल, कैरेट और बीटरूट। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर लेनी है, और इनको अच्छे से हमें वॉश कर लेना है पहले। और यहाँ पे जो एप्पल हम ले रहे हैं, वो हमें शाइनी वाला एप्पल नहीं लेना है, इसी तरीके से रफ वाला एप्पल लेना है, क्योंकि जो इसका छिलका है उसको हमें नहीं उतारना, इसी तरीके से हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपको अगर रेड वाली गाजर मिलती तो वो भी ले सकते हैं, या फिर येलो वाली मिलती तो वो भी ले सकते हैं, सीजनल के हिसाब से जो भी मिलती है वो बेस्ट है, आप दोनों का ही यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इनको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको कट कर लिया है, और जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें इस जूस के लिए चाहिए, एबीसी जूस के लिए, वो सारा यहाँ पे हमारा रेडी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बीटरूट, जिसको मैंने कट कर लिया है, एक एप्पल जिसको मैंने छिलका नहीं उतारा, साथ में कैरेट, और जो हमने चिया सीड्स सोक करके रखे थे वो भी अच्छे से सोक हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा काला नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़े से दालचीनी का टुकड़ा, और यहाँ पे लिया शहद, और साथ में लिया थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो अदरक का टुकड़ा लिया बहुत ही कम लिया, तो इसी तरीके से हमें बहुत ही कम अदरक लेनी है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम अदरक का यूज़ करेंगे तो वो हमारे गले में लगने लगती है। तो यहाँ पे हमें टेस्ट के लिए थोड़ी सी अदरक का यूज़ करना है। और यहाँ पे हमने लिया एक ग्लास पानी, तो जितना आपको जूस बनाना उसके हिसाब से आप पानी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं दो ग्लास के हिसाब से जूस तैयार कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक मिक्सी जार। अब जो हमने एप्पल कट करके रखा था वो हम डाल देंगे पहले इसमें, फिर हम डाल देंगे इसमें कैरेट, और साथ में हम डाल देंगे बीटरूट, दालचीनी टुकड़ा, और थोड़ा सा हम डाल देंगे स्वाद अनुसार काला नमक। अगर आपको नमक पसंद है जूसेस में तो आप ज़रूर ऐड करिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक, और एंड में हम डाल देंगे शहद। तो यहाँ पे शहद का हम यूज़ कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा मिठास लाने के लिए। आप अगर शहद को भी अवॉइड करना चाहते हैं, शहद लेना पसंद नहीं करना चाहते, तो आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल इसी तरीके से ये जूस बना के तैयार कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे एक ग्लास पानी, फिर हम इसकी लिड लगा देंगे और मिक्सी में चलाएंगे इसको 2 से 3 सेकंड के लिए। थोड़ा पल्स पे हम इसको चलाएंगे रुक रुक के, क्योंकि इसमें हमने जो पीसेस डाले वो मिक्सी के जार में अटक ना जाए, इसलिए थोड़ा रुक रुक के हमें इसको चलाना है। तो यहाँ पे देखिए, बढ़िया सा हमारा एबीसी जूस है जो बन के रेडी हो चुका है इस तरीके से। आपके पास अगर जूसर है तो जूसर में भी आप इस जूस को निकाल सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया से ये जूस हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अब चलिए ले लेते हैं एक ग्लास या मग, जो भी आप लेना चाहें, जिसमें भी आप इसको पोर करना चाहें। अब जो हमने चिया सीड सोक करके रखे थे वो भी बहुत अच्छे से सोक हो चुके हैं, और इनको सोक होने में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें चिया सीड्स डाल दूंगी। और एक सबसे मेन बात, जो हमने जूस आज बना के तैयार किया एबीसी जूस, कई लोग क्या होते हैं कि इसको छान के लेते हैं, बट इसको हमें कभी भी छान के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको छान देंगे तो जिसका जितना भी फाइबर इसमें होता है वो सारा निकल जाएगा, तो जूस पीने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, यानी कि जो मेन चीज़ है वो हमारी बॉडी को नहीं मिलने वाली है। अब ऊपर से मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें पुदीने का पाउडर, अगर आपका फ्रेश पुदीना था वो भी लगा सकते हैं इसमें। अब ऊपर से लगा दिया मैंने स्ट्रॉ, तो बढ़िया सा हमारा यहाँ पे एबीसी जूस जो है वो बनके रेडी हो चुका है। तो जब भी दोस्तों आप इस तरीके से किसी भी फ्रूट से वेजिटेबल का जूस बनाते हैं, तो कभी भी आप उसको छान के ना लें, क्योंकि उसमें जो फाइबर होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको आप हमेशा इस फाइबर के साथ ही लें, जिससे काफ़ी वो हेल्दी भी होने वाला है। और फाइबर के साथ जब भी हम कोई जूस पीते हैं तो उसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। और इस ड्रिंक को आप पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं, यानी कि जब भी आप योगा या एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद इस ड्रिंक को ले सकते हैं, काफ़ी हेल्दी ड्रिंक होता है ये। और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं।
सभी के लिए काफी हेल्दी होता है। तो यहाँ पे बढ़िया सा हमारा पावरफुल डिटॉक्स ड्रिंक जो है बन के रेडी हो चुका है। तो जब भी आपके घर में मेहमान आ जाते हैं या फिर आपका कुछ पीने का मन करता है तो चाय कॉफी की जगह पे आप इस जूस को यानी कि ड्रिंक को ले सकते हैं और सभी को आपके घर में बहुत ज्यादा पसंद भी आने वाला है। और सीजनल वेजिस से बनने वाला ये जूस है, तो विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स में से जरूर आपको एक बार ये ड्रिंक बनाना चाहिए और इसकी जो हेल्दी प्रॉपर्टीज हैं उनको जरूर लेना चाहिए। तो आज की आपको ये ABC जूस रेसिपी यानी ये डिटॉक्स रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ के न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।